गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डेट है हमारी 3 जनवरी 2022। डे हमारा है मंडे। ये हमारी होमवर्क शीट नंबर 1 है, क्लास 2, सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक हमारा है पैराग्राफ राइटिंग, यानी कि किसी भी टॉपिक पे हमें पैराग्राफ लिखना है, मतलब इंग्लिश में लाइनें लिखनी है। फर्स्ट है रीड कम्प्रिहेंशन, आपको रीड करना है और ये जो ये है ना आंसरिंग, ये आंसर करना है। पहले हम पैराग्राफ रीड करते हैं। माई नेम इज़ बिली, देयर इज़ अ क्रिसमस पार्टी एट माई होम टूडे। तो बिली कह रहा है कि मेरा नाम बिली है और आज मतलब हमारे यहाँ क्या है, क्रिसमस पार्टी है घर पे। माई मोम इज़ बेकिंग अ प्लम केक, जो उसकी मम्मी है वो प्लम केक बना रही है। आई एम डेकोरेटिंग द क्रिसमस ट्री, और वो क्या कर रहा है, डेकोरेट कर रहा है क्रिसमस ट्री को। माई डैड इज़ पैकिंग द गिफ्ट्स फॉर माई फ्रेंड्स, जो मेरा डैड है वो क्या कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं गिफ्ट मेरे दोस्तों के लिए। फर्स्ट है हु इज़ होस्टिंग द पार्टी, होस्टिंग मतलब होस्टिंग होता है कि किसने की वो पार्टी, कौन करवा रहा है वो पार्टी, तो बिली करवा रहा था, तो बिली पे टिक कर देंगे। विच केक इज़ बिली मॉम मेकिंग, तो जो विच केक इज़ बिली मॉम बेकिंग, तो जो बिली की मम्मा थी वो क्या बेक कर रही थी, प्लम का केक, ऑरेंज का, पाइनएप्पल का, तो प्लम का। हु इज़ डेकोरेटिंग द क्रिसमस ट्री, जो क्रिसमस ट्री है वो किसने डेकोरेट किया था, सो बिली ने किया था, तो बिली। हु इज़ पैकिंग द गिफ्ट, और गिफ्ट कौन पैक कर रहा था, बिली के डैड। अपोजिट वर्ड फ्रेंड, फ्रेंड का अपोजिट वर्ड क्या होता है, फ्रेंड यानी दोस्त, दोस्त का उल्टा होता है दुश्मन, तो इसमें एनिमी, एनिमी को हम दुश्मन बोलते हैं ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। रीड द पैराग्राफ एंड फिल इन द मिसिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड लिस्ट, आपको ये पैराग्राफ रीड करना है और ये जो खाली जगह दिखी हुई है ना, इनको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनसे भरना है। चलिए अब हम पहले पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे, मतलब आज बारिश हो रही थी सारे दिन। आई कुड हेयर द डैश बीट अगेंस्ट द ग्लास, मतलब वो क्या सुन रहा था, बीट अगेंस्ट, जो ग्लास पे क्या कर रही थी, ड्रॉप्स, ड्रॉप्स क्या होती है, बूंदे। आई फेल्ट सैड बिकॉज आई कुड नॉट, मतलब वो सैड था। डैश विद माई फ्रेंड्स वर्ड लिस्ट, आपको ये पैराग्राफ रीड करना है और ये जो खाली जगह दिखी हुई है ना, इनको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनसे भरना है। चलिए अब हम पहले पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे, मतलब आज बारिश हो रही थी सारे दिन। आई कुड हेयर द डैश बीट अगेंस्ट द ग्लास, मतलब वो क्या सुन रहा था, बीट अगेंस्ट, जो ग्लास पे क्या कर रही थी, ड्रॉप्स, ड्रॉप्स क्या होती है, बूंदे। आई फेल्ट सैड बिकॉज आई कुड नॉट, मतलब वो सैड था। डैश विद माई फ्रेंड्स आउटसाइड, मतलब क्या नहीं कर पा रहा था वो, प्ले विद माई फ्रेंड्स आउटसाइड, वो प्ले नहीं कर पा रहा था। माई डैड सैड आई कुड गो डैश इन हिज लैप सिंस आई वॉज इन अ बैड मूड, तो उसके पापा ने बोला कि वो नहीं जा सकता बाहर, तो वो क्या किया, गो एंड सिट, कहाँ पे बैठ गया, बेड पे सिट यानी बैठना। ही सैड आई गेट मैड टू व्हेन आई कांट प्ले विद माय फ्रेंड्स, तो वो उसे बुरा लग रहा था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं खेल रहा था, तो प्ले विद खाली जगह है यहाँ पे, तो किसके साथ खेल रहा था वो, फ्रेंड्स के साथ। लेट्स लुक एट द मैप एंड प्रिटेंडिंग वेयर, तो उसने मैप देखा और वहाँ पे वेयर के बाद टेकिंग अ ट्रिप टू ऑल ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे वो जा सकता है, उसने मैप में देखा। वी सी ऑन इट इट एंडेड अप बीइंग अ फन आफ्टरनून, तो उसने क्या क्या अपने आफ्टरनून में वो डिफरेंट प्लेसेस देखी। थर्ड, राइट वर्ड दैट कम्प्लीट्स ई सेंटेंस, आपको ये वर्ड दिए गए हैं, इन सेंटेंस को कम्प्लीट करना है। कुड यू प्लीज डैश द टेबल, तुम इस टेबल को डैश कर दोगे यानी कि साफ कर दोगे, साफ यानी क्लियर, सो क्लियर आएगा यहाँ पे। ही इज ऑन डैश इन ऑस्ट्रेलिया, वो कहाँ जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या करने, वेकेशन में, ठीक है, वेकेशन यानी छुट्टियों पे।
वी कैन नॉट डैश विद यू ऑन दिस पॉइंट, वी कैन नॉट, मैं इस बात पे तुमसे क्या नहीं हूँ, एग्री, एग्री यानी सहमत नहीं हूँ, हम बोलते हैं ना कि मैं आप इस बात से आपसे सहमत नहीं हूँ, तो इंग्लिश में वी कांट कैन नॉट एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आफ्टर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस हेयर राइटिंग डैश हैव इम्प्रूव्ड, क्या बचा हमारे पास, स्किल, मतलब उसने बहुत सारी प्रैक्टिस की और उसने लास्ट में क्या किया, हर राइटिंग स्किल इम्प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है, थैंक यू।